क्या है दो बीवियों का असली सच। जहां एक तरफ लोग शादी के लिए तड़पे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अरमान मलिक दो दो बीवियों के साथ ठाट से रह रही है। सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने वाले इस परिवार को आपने कहीं ना कहीं तो जरूर देखा ही होगा, जिसे देखकर आप सोच रहे होंगे भला एक बंदे की दो बीवियां कैसे हो सकती है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है, अरमान मलिक की दोनों बीवी सौतन की तरह नहीं बल्कि आपस में बहनों की तरह रहती है, जिन्हें देखकर आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे आखिर अरमान ने क्यों एक बीवी के रहते दूसरी से शादी कर ली और कैसे इस शादी से इनकी पहली बीवी मान गई। आज हम इनके बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, आखिर अरमान मलिक हिंदू है या फिर मुस्लिम, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, अरमान मलिक हिसार हरियाणा में एक हरियाणवी फैमिली में हुए थे। ये एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे। इनका नाम पहले संदीप था, बाद में इन्होंने बदलकर अरमान मलिक रख दिया। अब इनको धर्म परिवर्तन करने की क्या जरूरत पड़ी है, उसके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे ही। उससे पहले इनकी बाकी की जिंदगी के बारे में जान लेते हैं। असल में शुरू में इनको टिकटॉक वीडियो बनाने का काफी ज्यादा शौक था और ये एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्रिएटर भी थे दोस्तों, लेकिन इनकी वीडियो को शुरू में बहुत कम ही लोग जानते थे। अरमान आज 35 साल के हो गए हैं और इनकी पहली शादी 2011 में हुई थी, जो कि इनकी पहली बीवी पायल थी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कोई घर वालों के द्वारा अरेंज मैरिज नहीं थी, बल्कि पायल और अरमान ने लव मैरिज की थी। दरअसल हुआ यूँ था, पायल एक बैंक में जॉब करती थी और अरमान उसी बैंक में काफी आते जाते थे। इसी दौरान बैंक में ही इन दोनों की दोस्ती हो गई और फिर इन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। और मात्र कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली और ये अपने घर वालों से अलग रहने लगे। और शादी के काफी सालों तक इनको कोई बच्चा नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही ज्यादा मन्नतों के बाद इन्हें चीकू हुआ, जिन्हें आप इनकी हर वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद इन दोनों की लाइफ बहुत ही ज्यादा खुशी से चल रही थी, लेकिन दोनों की खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और अरमान की दूसरी बीवी इनकी लाइफ में भूचाल बनकर आ गई, जिसने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। पर आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि अरमान मलिक से कृतिका को मिलवाने वाली खुद इनकी पहली पत्नी पायल थी। असल में दोस्तों, कृतिका पायल की सौतन है ना, वो पहले इनकी बहुत अच्छी दोस्त होया करती थी, जहां पायल ने अपने बेटे चीकू के बर्थडे में कृतिका को घर बुलाया था। फिर क्या था, उनकी पत्नी की खूबसूरत शैली को देखकर अरमान मलिक दंग रह गए और पहली नजर में घायल हो गए। हालांकि उस समय अरमान मलिक ने कृतिका से कुछ नहीं कहा और एक बार कृतिका बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में फंस गई थी तो वहाँ अरमान मलिक ने जाकर उनकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी और यहीं से इन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। और असली गड़बड़ घोटाला तो तब हुआ जब कृतिका 6 दिनों के लिए उनके घर पर रहने के लिए आई हुई थी और फिर अरमान मलिक को कृतिका से प्यार हो गया और 7वें दिन उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। उसके बाद अपने पति और अपनी खास दोस्त की इस करतूत को देखकर पायल का दिल टूट गया और वो अपने बेटे चीकू के साथ अरमान मलिक के घर को छोड़कर चली गई। वहीं दूसरी तरफ पायल के घर वालों ने अरमान मलिक पर FIR केस दर्ज करा दिया। उसके बाद अरमान मलिक बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में आ गए थे और वे सुसाइड भी करने वाले थे, लेकिन इसके बाद अरमान ने न जाने पायल के ऊपर कौन सा जादू किया जो पायल अरमान के पास वापस आ गई। और फिर क्या था, अरमान की 5 उंगलियां घी में थी, क्योंकि दोनों बीवी जो एक समय पर दोस्त होया करती थी और अब साथ साथ खुशी से उनके साथ रहती है। उसके बाद ये तीनों सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियो अपलोड करते रहते हैं और अब ये फैमिली अपनी अनोखी कहानी के चलते वायरल हो रही है। इसका नतीजा ये है, आज दो बीबी वाला अरमान मलिक के सोशल मीडिया पर खूब सारे फॉलोवर बन चुके हैं और उनकी यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया पर उनको देखने वालों की संख्या लाखों में है। आज के समय में इनकी फैमिली इतनी पॉपुलर है, अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो आपने इनकी वीडियो कहीं ना कहीं तो जरूर देखी होगी। दोस्तों, आपको अरमान मलिक और उनकी दो बीवियों के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।